आवतीकाले भाजपना धारासभ्योनी बैठक गांधीनगर विधानसभा खाते सांजे 4 वागे बैठक मळशे। मुख्यमंत्री नायब मुख्यमंत्री प्रदेश प्रमुख हाजर रहेशे। गुजरात प्रभारी भूपेन्द्र यादव पण हाजर रहेशे। सूत्रों तरफ थी माहिती मळी रही छे 2022 ની विधानसभा चूंटणी बैठकनो महत्वनो मुद्दो कोरोनानी स्थितिना ग्राउंड रिपोर्ट विषे पण चर्चा कराशे। प्रभारीए करेली कोर मीटिंगनी पण बैठकमां चर्चा थशे। बैठक में कोविड कामगिरी लेखा जोखा विषे चर्चा थशे। सूत्रों तरफ थी महत्वपूर्ण माहिती मळी रही छे। आवनारी त्रीजी लहर विषे पण बैठक में चर्चा थशे। तो बैठक में तमाम धारासभ्य ने फरजियात हाजर रहेवा माटे आदेश करायो। अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात मुद्दे पण बैठक में चर्चा थशे। संवाददाता गौतम शिमाड़ी जोड़ाई गया। गौतम, आवतीकाले भाजपना धारासभ्योनी बैठक मळवानी छे, कया कया मुद्दाओ महत्वना रहेशे? भाविका, आवतीकाले सांजे 4 वागे भाजपना जे तमाम धारासभ्यो छे तेमनी बैठक छे ते योजावानी छे। 4 वागे विधानसभामां आजे बैठक छे ते योजावानी छे। महत्वनी बात ए पण छे के सीएम विजय रूपाणी, नायब मुख्यमंत्री नितिन पटेल अने सीआर पाटिलनी अध्यक्षतामां जे बैठक छे ते योजाशे। आवनारा दिवसोमां जे कोविडनी जे स्थिति हती, कोविडनी जे बीजी लहेरमां जे कामगीरी जे करवामां आवी हती धारासभ्योए, तेना लेखाजोखा छे ते पण लेवामां आवशे। आवनारी ત્રીજી લહેરને અંતર્ગત જે તમામ ધારાસભ્યો છે તે તૈયાર રહે અને ફરી એ જ રીતે कामगिरी करे ते पण प्रश्नो अंतर्गत चर्चा थाय ते प्रकारनी पण एक शक्यता छे ते सेवाई रही छे। वात ए पण छे के 2022 नी चूंटणीनो मंथन छे ते आ बैठकमां थाय ते प्रकारनी पण शक्यता छे ते सेवाई रही छे। कारण के अगाउ एटले के थोड़ा दिवसो पहेला ज जे भाजपना प्रदेश प्रभारी जे छे भूपेन्द्र यादव तेवो अहीं गुजरातनी मुलाकाते आव्या हता। गुजरातनी मुलाकात दरमियान तेमां कोर कमिटी साथे एक बैठक छे ते योजी हती। बैठकनी अंदर 2022 नो मुद्दो छे ते पण चर्चायो हतो। 2022 ना मुद्दानी चर्चा थया बाद तमाम जे धारासभ्यो छे तेमने पण एक मेसेज छे ते आपवामां आव्यो छे। एटले के मेसेज आधारे तमाम जे धारासभ्यो छे ते पोतानी रणनीति नक्की करे, ग्राउंड रिपोर्ट मेळवे ते प्रकारनी पण एक शक्यता छे ते सेवाई रही छे। एटले के 2022 ની ચૂંટણીનું લઈને પણ આ ભાજપની બેઠકમાં મંથન થાય તે પ્રકારની પણ શક્યતા છે તે સેવાઈ રહી છે। એટલે કે આવનાર 2022 ની ચૂંટણીમાં આ પ્રકારની જે વ્યવસ્થા અને ભાગરૂપે રૂપરેખા નક્કી થાય તે પ્રકારની પણ એક શક્યતા છે તે સેવાઈ રહી છે। વાત એ પણ છે કે અગાઉ જે આ જે બેઠકની વાત કરવામાં આવે તો તમામ ધારાસભ્યોની બેઠક છે તે આ એટલે કે બે વર્ષની અંદર આ ત્રીજી બેઠક છે તે મળશે અને ત્રીજી બેઠકની અંતર્ગત પણ વિવિધ મુદ્દાઓની સાથે ચર્ચા થશે, પરંતુ 2022નો મુદ્દો છે તે મહત્વનો રહેશે। જી જી ગૌતમ, ધન્યવાદ તમામ જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ।